सब्सक्राइब कीजिए सॉफ्टटेक सॉल्यूशन चैनल को और दबाइए बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो जो है हमारी होने जा रही है कैनोट के किसी भी रिमोट पर कि हम जो है उसको कैसे अपने मोबाइल ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें एसी के साथ मिलते हैं, जिसमें हमारे पास ये रिमोट कंट्रोल है, उसके बाद देन जो है रिमोट कंट्रोल का मैनुअल है। रिमोट कंट्रोल का अगर मैनुअल आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मैं वन बाय वन जो है आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या फीचर्स जो हैं इसके अंदर है। इनके फीचर्स पे भी जो है नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे इसके फीचर्स काम करते हैं। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि हम अपने मोबाइल से कैसे कैनवोट की ऐप को मोबाइल पे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमारे कुछ यूज़र के क्वेश्चन थे, जो हमारे व्यूवर थे उन्होंने बोला था कि हमें जो है ना मोबाइल कनेक्ट करके दिखाया जाए कैसे जो है वो मोबाइल ऑपरेट होता है ऐप में। सेकंड जो है हमारे पास ये कैनवोट की जो है साथ पंपलेट मिलता है, जिससे बताया गया कि योर फ़ोन इज़ नाउ आर एसी रिमोट। सबसे पहले जो है वो आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है एसी फ्रीडम नाम की ऐप है, ये इसका लोगो है। देन आपने जो है क्यूआर कोड स्कैन करना है। क्यूआर कोड जो है इसके साथ मिलेगा, हर मॉडल का सेपरेट होगा, लेकिन 1838 का ये जो है क्यूआर कोड है, आप इसे संभाल कर रखें। इसके बगैर जो है आपकी जो ऐप है वो वर्क नहीं करेगी इसका, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे जो व्यूअर थे उन्होंने बोला था कि मेरे पास ये क्यूआर कोड जो है वो गुम हो गया। अगर उनका क्यूआर कोड गुम हो गया हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे जो है ना वो आप अपने ऐप को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स जो है वो आपने वाईफाई मोड के साथ इसको कनेक्ट करना है, उसके बाद अपना वाईफाई देना है हॉटस्पॉट, और उसके बाद जो है आपका ऐप कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। चलें चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम अपने मोबाइल से कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। हम मोबाइल स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, हम प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद एसी फ्रीडम ऐप सर्च करेंगे। जैसी एसी फ्रीडम ऐप हमने सर्च किया, हमारे पास ये ऐप शो हो गई है। इसको जो है वो हम इंस्टॉल कर देते हैं। इसके साथ इसके देखते हैं हमारे पास फीचर्स क्या क्या दे रहा है। ये हमारे पास यूज़र इंटरफेस होगा स्टार्ट में, जहाँ से हम डिवाइस को ऐड करेंगे। देन आप इसके अंदर 3, 4, 5 जितने आपके कैनोट के एसी चल रहे हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास टेम्परेचर शो हो रहा होगा, आप यहाँ से टेम्परेचर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हमारे पास हीट मोड का भी शोर है। जब तक जो है ये ऐप इंस्टॉल हो रही है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। और ध्यान रखिएगा कि जो इसका क्यूआर कोड है वो आप अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि अगर ये आपका मिसप्लेस हो जाता है तो फ्यूचर में जब आप इसको ऐप से कनेक्ट करेंगे तो मुश्किल आपको हो सकती है। इसकी कैनवा डिटेल वीडियो पर जो है एसी पर हमारी आज की ये चौथी वीडियो है, चौथी या पांचवीं वीडियो होगी। इसकी पहली वीडियो जो थी वो फीचर्स पर थी, सेकंड वीडियो जो थी वो इसके इंस्टॉलेशन पर थी, और दो वीडियोस जो हैं वो इसकी एम्पेयर यूजेज पर थी। ये आज की पांचवी वीडियो है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एसी फ्रीडम ऐप इंस्टॉल हो रही है। जैसे इंस्टॉल होती है तो हमारे पास कुछ यूज़र इंटरफेस हमारे पास ऐसा शो होगा, जैसे कि ये देख रहे हैं हमारे पास ऐप इंस्टॉल हो गई। हम इसको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये पूछता है असेस एसी फ्रीडम फोटोज़ मीडिया, इसको हम अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद जो है ये हमारे पास ये फीचर ओपन हो जाएगा। हमने यहाँ पर जो है अदर सिटीज़ कलेक्ट करनी है, अगर आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं या यूरोपियन एरिया में नहीं हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं यूरोपियन एरिया में नहीं हैं, हम इसको अदर पर सेलेक्ट करेंगे। अदर पर सेलेक्ट करने के बाद इसको कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म करने के बाद इसको ओके करेंगे। ये हमारे पास आप पिक्चर लेना चाह रहे हैं जो क्यूआर कोड यहाँ से इसको स्कैन करेगा और पाकिस्तान का जो वर्ज़न है वो इसमें इंस्टॉल कर लेगा। इसको जैसे ही अलाउ करते हैं ये हमारे पास क्यूआर कोड इसने स्कैन कर लिया और ये पाकिस्तान का फीचर जो है ये इंस्टॉल होना हमारे पास स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान का फीचर
ये हमारे पास स्टार्ट हो गया है और ये हमसे मांग रहा है कि अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दें, इसमें आपका ऐप पे आपका अकाउंट क्रिएट होगा। ये अगर आपका अकाउंट पहले बना नहीं हुआ तो आप नीचे साइन अप पर क्लिक करें और अपना अकाउंट बना लें। मेरा अकाउंट जो है ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लॉग इन होऊँगा। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो आगे एग्री कर रहे हैं कि कुछ इसकी प्राइवेसी पॉलिसी हैं इनकी, इसको एग्री करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास पासवर्ड इसका लग चुका है और हमारे पास इसका डिवाइस का कुछ इंटरफेस ऐसा शो हो रहा है। ये हमारे पास जो है इसका क्यूआर कोड है, उसके बाद अकाउंट सेटिंग है, शेयरिंग डिवाइस है। इस पर जो है डिटेल वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा। अब चलते हैं सिंपल इसको कैसे आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे। सिंपल जो है मैं आपको इस ऐड डिवाइस पर क्लिक करते हैं। डिवाइस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये शो हो रहा है कि अपने एसी की तरफ जो है करके 8 दफ़ा जो है वो हेल्थ का बटन क्लिक करें। चलें आते हैं मोबाइल पर। मोबाइल पर आने के बाद ये हमारे पास इसका एसी का रिमोट है। 8 दफ़ा जो है वो हम हेल्थ दबाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये डबल बीप जो है हमारे पास शो हो गई है, मतलब हमारा जो ऐप है वो हमारी इसके साथ कनेक्ट हो गई है। इसने वाईफाई इसके साथ क्लिक कर लिए। अब करते हैं ऐड डिवाइस पर, नेक्स्ट बटन पर चलते हैं। नेक्स्ट बटन पर जाने के बाद इसको अलो करेंगे। अलो करने के बाद जो भी आपका पासवर्ड है वाईफाई का जो अपने घर डिवाइस लगी हुई है, क्योंकि ये उसी के हिसाब से जो है इसके साथ कनेक्ट होगा। यहाँ पर जो पासवर्ड है मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद जो है हम यहाँ से इसको स्टार्ट कॉन्फ़िग करेंगे। कॉन्फ़िग होने के लिए ये कुछ टाइम लेगा हमारे पास, और कुछ टाइम के बाद जो है ये कॉन्फ़िग हो जाएगा। जैसे ही इसको हमारे वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा तो ये जैसे ही वैसे जो है ना हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं हमारी डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो गई है। स्टेटस भी हमारे पास डिवाइस का शो होना स्टार्ट हो गया। इस पर जो है वो हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे एसी का जो टेम्परेचर है वो हम अब यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसको हम 16 पे कर सकते हैं, जहाँ पे भी अगर आपने करना है 26 पे हो गया। इसके यहाँ पर इसके फ़ैन मोड मोड पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कूलिंग, हीटिंग, फ़ैन, ड्राई, ऑटो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको अपने रिमोट की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से ही जो है वो अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फ़ैन स्पीड है, फ़ैन स्पीड अपनी लो हाई कर सकते हैं, टर्बो कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसका 4D जो है हमारे पास इसकी एसी की थ्रो है, आप इसको अप डाउन कर सकते हैं या राइट लेफ़्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एसी का डिस्प्ले है, जो कि एसी पर शो हो रहा होता है कि हमारे रूम में जो है वो 26 पर एसी चल रहा है। देन जो है हमारे पास हेल्थ है, स्लीप है, सब ऑप्शन पर जो है डिटेल पर नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। और अगर आपने अपने एसी को ऑफ़ करना है तो यहाँ पर जो ऊपर ये पावर का बटन दिख रहा है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही आपका एसी जो है यहाँ पर ऑफ़ हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।